नमस्कार जी, मैं झांसी से मंजू। सबसे पहले मेरे भाई बहनों को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो, और अगर जर्मनी वाली फ्रेंड मेरा वीडियो देख रही होंगी तो उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे। दोस्तों, आज मैं क्रोशिए के बेसिक के बारे में बात करूँगी कि क्रोशिए का काम जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो कैसे हम फर्स्ट वाला स्टिच बनाते हैं, जो फर्स्ट वाला लूप होता है, और उसके बाद कैसे हम चेन बनाते हैं, और चेन के बाद जब हम चेन बनाना सीख लेते हैं तो सिंगल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद मैं डबल सिखाऊंगी, फिर ट्रिपल सिखाऊंगी। तो अभी आज मैं आपको सिर्फ फर्स्ट लूप, चेन और सिंगल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, स्टिच वो सिखाऊंगी। तो दोस्तों, ये है मेरा क्रोशिया, ये देख रहे हैं, और ये मैं धागा यूज़ कर रही हूँ। तो आप चाहें इसमें कॉटन का पतला वाला बारीक धागा भी यूज़ कर सकते हैं, तो जैसी आपकी इच्छा हो। तो दोस्तों, पहले ये बनाना कैसे है, लूप कैसे बनाना है। तो सबसे पहले ये मैं उंगली पे, ये धागा ऐसे है, एक सिरा मैंने ऐसे पकड़ा और ये लंबे की तरफ से एक ऐसे पकड़ा, तो इसको ऐसे लपेटा, इस तरह से ऐसे लपेट लिया मैंने, ऐसे इस तरह से लपेट लिया, देख रहे हैं आप, ये ऐसे कर्व ले लिया। और फिर ये इसको ये ऐसे कुछ इस तरह से किया, ये रिंग जैसे बन गई, और इसके बीच में ऐसे किया, ये देखो ये ऐसे। और इसमें हमने अपने ये क्रोशिए का हुक ये ऐसे डाला और इसको थोड़ा बाहर को खींच दिया, ये देखिए इस तरह से। और ये फिर दोनों सिरों को हमने ऐसे खींच लिया, तो ये हो गया हमारा लूप बनाना, ये लूप हो गया फर्स्ट लूप, और इसको स्लिप स्टिच भी कहते हैं। ये आ गया हमारा फर्स्ट लूप आ गया। तो आगे जो इस उंगली का इस्तेमाल हमने करना है, वो हमने ये धागे को इसलिए हम ऐसे करते, कोई ऐसे करता है अपनी सुविधा अनुसार जो आपको अच्छा लगे, तो मैं तो इस तरह से करती हूँ ये धागे को खींचने के लिए। तो ये एक सिरा मैं ऐसे पकड़ना है, ये ऐसे, ताकि ऐसे पकड़ रहे उंगली से, इस तरह से ये पकड़ लिया, और इस तरह से। अब ये क्रोशिए को हमने, ये क्रोशिए के ऊपर ये एक कर्व लिया, और ये इसके हुक की मदद से हमने इसको जो फर्स्ट वाला लूप है इसमें इंसर्ट किया, और फिर ये बाहर निकाल दिया। तो ये हो गई हमारी एक चेन। और फिर हम दोबारा हम इसको ऐसे ही करेंगे, ये क्रोशिए पे कर्व लिया और इसकी हुक की मदद से हम ये इस लूप में इंसर्ट करेंगे, और फिर इसको ये बाहर निकाल देंगे, और फिर ऐसे कर्व लिया और इसको ऐसे इंसर्ट करेंगे, और ऐसे। तो इस तरह से दोस्तों ये आ रही है चेन, ये चेन ऐसे बनती जाएगी। आप जितनी लंबी बनाना चाहें बना सकते हैं, तो शुरू शुरू में आपको प्रॉब्लम होगा, और जब आप सीख लोगे तो आप बहुत अच्छे से बनाना शुरू कर दोगे। तो बस ऐसे इस तरह से ये ऐसे कर्व लिया और ये ऐसे लूप में पिरोया और निकाल दिया, इस तरह से कर्व लिया और ऐसे पिरोया और निकाल दिया। तो दोस्तों, इस तरह से हमें चेन बनानी है, ये देखिए ये हमारी इस तरह से चेन बनेगी। तो ये ऐसे कुछ डिज़ाइन इस तरह से, ये देखिए आ रहा है चेन का, ऐसे लग रहा है जैसे गूंथी हुई चोटी होती है, ब्रेड देखो ब्रेड की तरह लग रहा है कि नहीं, ये देखिए आप बिल्कुल ऐसे आएगा। फिर ये उंगली पे ऐसे धागा लपेटना है, और इस तरह से लिया और ये ऐसे लिया और ये इस तरह से, और उंगली से ऐसे धागा, उंगली को ऐसे खींचते हैं, तो ये मतलब धागा हम खींच रहे हैं, इसको टाइट कर रहे हैं। तो फिर ऐसे लिया और कर्व लिया और ये इसमें आगे वाले स्टिच में इंसर्ट किया, और ये बाहर निकाल दिया, ये इस तरह से कर्व लिया, और ये जो ये स्टिच है हमारे हुक पे ये पहले से, और इसमें
जो ये वाला स्टिच है इसको ऐसे इंसर्ट किया हुक की मदद से और ये बाहर निकाला हो ऐसे। ये इसको दोस्तों ऐसे रिपीट करते जाना है इस तरह से। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ गया, ये देख रहे हैं आप चेन आ गई, ये देखिए आप ऐसे ऐसे लग रहा है कि जैसे गुंथी हुई चोटी हो, तो इस तरह से ये बनता जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट लूप कैसे बनाना है और चेन कैसे तैयार करनी है। जब भी हम क्रोशिए का काम कोई भी स्टार्ट करते हैं तो ये जो बेसिक बातें हैं सबसे पहले ये तो हमें आनी ही चाहिए, ये हमें सीखनी पड़ेगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर दोस्तों एकदम से हम कोई बड़ा सा डिज़ाइन सीखने लगते हैं, अगर हमें बेसिक नहीं आता है तो हमें बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसलिए ये बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम सिंगल क्रोशिया सीखेंगे, सिंगल क्रोशिया को कैसे बनाना है। तो ये दोस्तों जैसे ये मैंने उंगली में धागा पिरो लिया है टाइट करने के लिए, और ये जो ये स्टिच दिख रहा है पहले वाला, ये देखिए ये इसमें बिना कर्व लिए, अब ऐसे कर्व नहीं लेना हमें, कर्व लेना भी कहते हैं इसको, बल लेना भी कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो बिना कर्व लिए हमें ये हुक को ये ऐसे ये अगले स्टिच में पिरोना है और फिर कर्व लेना है और फिर ये दो बनाने हैं, जैसे ये दो स्टिच आ गए, ये देखिए दो दिख रहे हैं आपको क्रोशिए पे हुक पे, और दो का फिर एक बनाना है, बस इसी तरह से चलेगा ये आपका। फिर अगले वाले जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें ऐसे हुक को पिरोना है, ये ऐसे पिरोया, मैं फिर बताती हूँ आपको। ये जो नेक्स्ट वाला स्टिच है, एक तो ये हमने बना लिया, और ये नेक्स्ट वाला जो स्टिच है इसमें हमने हुक को ऐसे पिरोना है, पिरो दिया और बिना कर्व लिए, सॉरी जैसे ये जो एक बुन लिया और ये नेक्स्ट वाला स्टिच, ये जो क्रोशिए का हुक है इसको हमने ऐसे इंसर्ट किया और फिर ये धागे को ऐसे इस वाले हुक में से निकाला, ये निकाला, ये दो बन गए और फिर ये कर्व लेके दो का एक बना दिया। तो ये हमारा होता है सिंगल क्रोशिया, और फिर आगे बस ऐसे चलेगा, ये अगले वाले स्टिच में ऐसे पिरोया और ऐसे दो बनाए इसके और फिर दो का एक, फिर अगले वाले स्टिच में लिया और ये दो बनाए और ये दो का एक। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, जब आप एक बार सीख जाओगे तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आगे वाला स्टिच है ये बुन गया, ये जो नेक्स्ट स्टिच है ये देख रहे हैं आप, ये इसमें ऐसे ऐसे इंसर्ट किया और फिर ये ऐसे कर्व लिया और ये ऐसे पिरोया और फिर दो का एक, फिर ऐसे लिया, फिर इस तरह से दो बनाए और दो का एक। तो ये हमारा होता है सिंगल क्रोशिया, और इसी डबल में फिर वो अगली बारी में आपको बताऊंगी कैसे करना है। तो एक आ गया, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टिच में ऐसे किया और फिर ये ऐसे लिया और ये दो का एक। तो दोस्तों ये बनाना बहुत ही आसान है, ये ऐसे इस तरह से, फिर हमने ये दो बन गए इसके स्टिच और दो के हमने फिर ये एक कर दिया, फिर अगले स्टिच में ये ऐसे पिरोया इसको हुक को और कर्व लेके फिर इसके ये दो बन गए और दो का फिर हमने एक कर दिया। तो ये हमारा होता है सिंगल क्रोशिया, ये ऐसे ऐसे आएगा, ये देखिए ये। फिर अगली वाली चेन में हमने इसको ऐसे पिरोया, ये कर्व लिया, ये हुक को इसमें से निकाला और दो के फिर हमने ये एक बना लिया, ये इस तरह से, और फिर हमने हुक को ये लास्ट वाला स्टिच ऐसे लिया और फिर इसमें ऐसे पिरोया और फिर दो का एक कर लिया। तो दोस्तों ये हमारा इस तरह से आएगा, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से ये हमारा बन गया
लूप तो मैंने बता चुकी, और उसके बाद चेन, और चेन के बाद ये बताया मैंने सिंगल क्रोशिया कैसे बनाना है, और फिर इसको आगे कैसे बनाना है, बुनना है। तो इसको ऐसे टर्न करेंगे, पहले जो ये जब हमारा ये ख़त्म होता है धागा, यहाँ ख़त्म हो गया हमारा बुन के, तो हम इस पर दो स्टिच या एक स्टिच एक्स्ट्रा ऐसे लेते हैं साइड पे, एक ले लिया चाहे दो ले लो आप ये बुनाने के लिए, और फिर इसको इस तरह से टर्न करना, इस तरह से ये टर्न किया, मोड़ा हमने, ये मोड़ दिया, और फिर उसी तरह से चलेगा ये जो ये पहला ये वाला स्टिच है हमारा, ये बिना कर्व लिए इस तरह से, ये हमने इसमें हुक डाला और फिर कर्व लेके हुक में से ये इसमें से ये दो बनाए और दो का एक, और फिर अगले वाले स्टिच में हमने इस तरह से ये हुक डाला और फिर ये कर्व लेके इस तरह से डाला और दो के एक बनाए, और फिर दोस्तों अगले वाले स्टिच में ऐसे डाला हुक और इसके दो बनाए और दो का एक, और बस इसी तरह से हमारा ये पूरा चलता जाएगा। ये अगला वाला स्टिच ये लिया और ऐसे हुक को ऐसे पिरोया और दो का एक। तो दोस्तों मैं होप करती हूँ कि ये आपको जो सिंगल स्टिच भी सॉरी आपको लूप बनाना भी आ गया होगा और चेन बनाना भी आ गया होगा, और ये जो आप सिंगल क्रोशिया ये भी आपको बनाना आ गया होगा। तो इस तरह से हमने ये रिपीट करते जाना है। तो ये दोस्तों हमारा हो गया ये सिंगल क्रोशिया, और इससे तो इसका बुनाई का डिज़ाइन मतलब इतना घना घना होता है सिंगल क्रोशिया वाला जो स्टिच से बनाते हैं, तो आप इससे पर्स भी बना सकते हो, इससे स्वेटर भी बना सकते हो, तो आप बहुत कुछ बना सकते हो उससे। तो बस इसी तरह से ये, और अगले वाले स्टिच में ऐसे पिरोना है क्रोशिया और ऐसे निकालना है हुक को और दो का एक, और फिर ऐसे धागे को टाइट करना है, और फिर लास्ट वाले ऐसे में लास्ट वाले जो स्टिच बचता है उसमें ऐसे हुक को पिरोया और ऐसे धागे को ऐसे बन लिया और इसमें से निकाला और ये दो बन गए, फिर दो का ये एक। और अब क्या करना है, हमें टर्न करना है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि साइड पे ये दो एक और ये दो घर हमें दो स्टिच हमने एक्स्ट्रा लेने हैं। तो इस तरह से हमने ये लिए और इस तरह से हमने ये इस तरह से ऐसे ऐसे देख रहे हैं ऐसे उल्टा किया, ऐसे ये उल्टी साइड हो गया, और फिर ऐसे ऐसे ही रिपीट करना है इसको। ये फर्स्ट वाला जो स्टिच है ये है जो चेन, फर्स्ट वाला चेन है, दिख रहा आपको ये तो दो हमने लिए हैं एक्स्ट्रा, और ये फर्स्ट वाला जो चेन है ये इसमें ऐसे लिया और इस तरह से हुक को ये हुक ऐसे डाल लिया ऐसे फर्स्ट स्टिच में, और ये जो थ्रेड आ रहा हमारा ऐसे कर्व लिया, उसमें से यूं निकाला और दो का फिर एक। फिर अगला वाला स्टिच जो ये जो हमने बुनाई ये तो बुन लिया हमने, जो आगे वाला ये आ रहा है, ये आ रहा है, देख रहे हैं आप, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसमें फिर हमने हुक डाला ये क्रोशे का और कर्व लिया और फिर ऐसे निकाला और दो का एक। बस दोस्तों इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। तो ये हमारा बहुत ही आसान स्टिच है। तो जो भाई बहन मेरे शुरुआत करेंगे तो उनको शुरू में तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पर फिर बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आराम से उनका ये स्टिच जो है उनको बनाना आ जाएगा ऐसे इस तरह से। ये आप देख रहे हैं ये इस तरह से, बस अगले स्टिच में ऐसे पिरोया इस तरह से और ये, और फिर अगले वाले स्टिच में ऐसे पिरोया इस तरह से दो का फिर एक कर लिया,
और फिर अगले वाले स्टिच में ये हुक को ऐसे डाला और ये धागे का कर्व लिया और यूं निकाला इसको, और फिर ये इस तरह से, तो फिर इस तरह से ऐसे डाला अगले स्टिच में, ऐसे कर्व लिया और दो का फिर एक बना लिया, और ये हमारा लास्ट वाला वार्ता है, इसमें लिया और ये। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा बन जाता है ये सिंगल क्रोशिया स्टिच कैसे। और अब तो ये आपको दिख रही है, और मैंने आपको फर्स्ट लूप बता दिया कि फर्स्ट जो लूप है वो कैसे बनाना है, जो कुछ इस तरह से बताया था आपको, इस तरह से सिरा पकड़ के और ऐसे लपेट के, और फिर उंगली से कुछ यूं, और हुक से फिर हमें ऐसे निकाल लेना है ना, और फिर दोनों सिरों को खींच देना है। तो बस दोस्तों आगे फिर अब ये तो चेन बनाना भी आपने सीख लिया वो कैसे आ रही थी, और ये हमारा आ रहा है सिंगल क्रोशिए का डिज़ाइन। ये बड़ा घना घना दिखता है, ये ऐसे ये देख रहे हैं आप, तो इसके आप मोजे भी बना सकते हो और पर्स बड़े सुंदर लगते हैं। तो दोस्तों होप करती हूँ कि आपको आज का वीडियो मेरा ज़रूर पसंद आया होगा, और अपने कमेंट मुझे ज़रूर करें ताकि मुझे फीडबैक मिल सके और मैं आगे आपके लिए कुछ और भी कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।